हेलो एवरीवन मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु में आपका स्वागत है आज का जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर या तो मैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ या आई ए आई के अंदर काम कर रहा हूँ इसका मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर काम कर रहा हूँ या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मैं नई नई सीख रहा हूँ उसके अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शंस अगर मुझे कोई भी काम करना है बड़े लेवल पे कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो उसमें हम डायरेक्टली फंक्शंस का यूज़ करते हैं बाकी इससे पहले जो हमने लेक्चर्स में किया था वो बेसिक है अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की थोड़ी सी एडवांसमेंट आनी शुरू हुई है इस वाले टॉपिक से तो ये टॉपिक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं अपने सारे व्यूवर से अपने सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वाले टॉपिक को बहुत ध्यान से करें बहुत इंटरेस्ट के साथ करें और इस वाले टॉपिक की हर एक बारीकी को समझें और जो है इस वाली वीडियो को अगर रिपीट पे लगा के देखें तो इसको दो या तीन बार देखें उसके बाद आपका जो हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे जितने भी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स हम करेंगे या भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उन सब के अंदर फंक्शंस का यूज़ होगा तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं फंक्शन की के फंक्शन होता क्या है तो फंक्शन बेसिकली क्या है इससे पहले मैंने आपको जो स्टेटमेंट लिखवाई थी या प्रोग्राम करवाए थे हम उसके अंदर डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते थे और जैसे अभी मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर वाली वीडियो थी वो बताई थी उसमें हम क्या कर रहे थे डायरेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिख रहे थे बट उसके अंदर हम कोई भी स्टेटमेंट थे रिपीट कर रहे थे बार बार तो फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं हम फंक्शन का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि मैं अपने एक किसी भी प्रोग्राम का एक पार्ट जो है वो बना सकूं और उसको बना के इस तरीके से रख लूँ चाहे उसके बाद अगर मैं कोई हज़ार प्रोग्राम भी बना रहा हूं तो उस वाले पार्ट को एज़ इट इज़ मैं यूज़ कर लूँ तो जिससे क्या होगा मुझे कोई भी प्रोग्राम बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसी को डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू डु, 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 डालूंगा और मेरे पास डायरेक्ट आउटपुट आ जाएगी यानी कि बस एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद वो दोबारा कोड नहीं करना पड़ेगा तो बेसिकली फंक्शन क्या होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट और इनका काम क्या होगा एक स्पेसिफिक टास्क करेंगे ये क्या करते हैं हमारा जैसे कोई भी लंबा प्रोग्राम है अब जैसे आपने हज़ार पाँच हज़ार लाइन का भी नहीं लिखा अभी हम तो हम छोटा छोटा करते आ रहे हैं पर जैसे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखता हूँ मैं कोई भी बड़ा प्रोग्राम लिखता हूँ सपोज कीजिए मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अगर मैं कोड करने लग जाऊँ तो करीबन पचास हजार से लेकर पाँच लाख लाइन तक का कोड लगेगा तो उसके अंदर इतनी सारी लाइनों में हम कैसे चेक करेंगे सारी सारी चीज़ें कैसे बनाएंगे और उसके अंदर अगर मान लो मैंने कोई एक मॉड्यूल बना दिया यानी कि उस का टुकड़ा बना दिया और मैं कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगा और उसके अंदर मुझे इसकी रिक्वायरमेंट हुई तो मैं क्या उन लाइन को दोबारा लिखूंगा जी नहीं तो हम क्या करेंगे अपने प्रोग्राम को हिस्सों में तोड़ लेते हैं जिसके बाद अगर मैं कोई भी पचास प्रोग्राम भी यूज़ कर रहा हूँ तो पचास के पचास में उसका यूज़ कर सकूँ और दोबारा लिखने की ज़रूरत ना पड़े फंक्शन हेल्प ब्रेक आवर प्रोग्राम टू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर स्मॉलर का मतलब छोटा है मॉड्यूलर का मतलब है अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना आवर प्रोग्राम ग्रोज लार्ज एंड लार्जर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारे प्रोग्राम जो है बहुत बड़े होते चले जाएंगे तो इससे हम क्या करेंगे इससे हमारा प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरीके से मैनेज भी हो जाएगा और ऑर्गेनाइज भी हो जाएगा और इसका जो सबसे बेस्ट बेनिफिट है वो क्या करता है ये रिपीटेशन अवॉइड करता है ताकि जैसे मेरे को दस पांच लाइन अगर मैंने लिख ली है तो बार बार उनको लिखने की जरूरत ना पड़े तो सिंटेक्स क्या होता है एक फंक्शन का सिंटेक्स होता है किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका ये मैं अपने पुराने वीडियोज में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं यहां पर जो मैंने बताया है वो आपको बताया है कि कोई भी फंक्शन जो है उसको पाइथन के अंदर डिफाइन कैसे करना है और फंक्शन अगर मैंने डिफाइन कर लिया तो उसके साथ उसको कॉल कैसे करना है तो यहाँ पे जो है उसका बेसिक सिंटेक्स लिखा हुआ है किसी भी फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिएगी वो होगी डी ई एफ शॉर्ट फॉर डिफाइन ये क्या होता है कीवर्ड होता है कीवर्ड मैं क्या वो बता चुका हूँ आपको इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ कि कीवर्ड क्या है कीवर्ड वो रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेशल मतलब होता है फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आएगी वो क्या होगी वो होगी उसका फंक्शन नेम यहाँ पर फंक्शन नेम यूज़र अपनी चॉइस का कुछ भी डाल सकता है ए बी सी डी एक्स वाई जेड या कुछ भी फिर उसके बाद जो अगली चीज़ आती है वो होती है पैरामीटर्स पैरामीटर क्या डिफाइन करेंगे पैरामीटर ये डिफाइन करेंगे कि जो वैल्यूज़ मेरा फंक्शन लेगा यानी कि कहने का मतलब है जिन वैल्यू के ऊपर मेरा फंक्शन काम करेगा उनको बोला जाता है पैरामीटर्स और यहाँ पे पैरामीटर्स जो है वो कई तरह के हो सकते हैं हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हो सकते हैं या हमारे पास जो आता है पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफ़रेंस आ जाता है वो अलग टॉपिक है इसको अगर मैं अभी डिस्कस करने लगा तो आपके लिए जो लेक्चर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा और आपका जैसे इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा तो वो वाली चीज़ें हम थोड़ी सी बाद में करेंगे तो जो भी पैरामीटर आएगा उसको आपको जो रखना है वो स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर रखना है और यहाँ पे पैरामीटर सिर्फ ये नहीं होगा कि एक आएगा इसके अंदर एक से लेके पचास से लेके या जीरो से लेके तक भी मेरे पास क्या सकते आ सकते हैं पैरामीटर आ सकते हैं फिर उसके बाद जो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है वो क्या है यूज़ ऑफ कॉलन तो जैसे ही मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा उसके बाद कॉलन लिखूंगा कॉलन लिखने के बाद आती है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है डॉक स्ट्रिंग ये एक ऑप्शनल स्टेटमेंट है ये इसको इसलिए रखा जाता है ताकि फंक्शन की रीडेबिलिटी जो है वो इनक्रीज हो जाए मैं आपको पिछले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रोग्राम को इस तरीके से लिखना चाहिए कि जिसे प्रोग्रामिंग नहीं आती वो उसको भी समझ में आ जाए अब जैसे मैंने एक फ़ंक्शन डिफाइन किया है और उसको मैं दूसरी चीज़ों में यूज़ कर रहा हूँ मान लो मैं फंक्शन को एक साल बाद या दो साल बाद देख रहा हूँ या छः महीने बाद देख रहा हूँ तो मुझे ये याद नहीं रहेगा ये फंक्शन जो बनाया था वो किसके लिए बनाया गया था तो डॉक स्ट्रिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे मुझे ये याद रहे फंक्शन क्या काम करता है और किस तरीके से काम करता है फिर आती है उसके अंदर स्टेटमेंट की बारी स्टेटमेंट अगर लिखा जाता है तो अगर यहाँ पे उसका मतलब होता है सिंगल स्टेटमेंट और यहाँ पे ब्रैकेट में लगा के अगर एस लिखा जाता है तो इसका मतलब हो सकता है यहाँ एक दो या पाँच सौ स्टेटमेंट भी हो सकती हैं फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है वो नेक्स्ट चीज़ आती है वो होती है रिटर्न एक्सप्रेशन रिटर्न फंक्शन का फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट होती है यहां पे जिस भी फंक्शन में रिटर्न आ गया तो फंक्शन क्या करेगा उसको वहीं ख़त्म कर देगा इसके बाद अगर मैं कोई भी और स्टेटमेंट लिखता हूँ या तो मेरा प्रोग्राम एरर करेगा या उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा फिर उसके बाद बारी आती है डिफाइन करने के बाद फंक्शन को यूज़ करने की अगर मुझे प्रोग्राम में फंक्शन का यूज़ करना है तो वो कैसे किया जाएगा सेम फंक्शन नेम जो यहाँ लिखा गया था उसको यहाँ लिखा जाएगा और उसके अंदर जो पैरामीटर की वैल्यू जो इसके अंदर जानी चाहिए थी वो वैल्यूज़ दी जाएंगी और सेम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करके रिजल्ट दिखा देगा तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको क्या है एक एग्जांपल बता रखा है तो एग्जांपल को किस तरीके से देख सकते हैं हम यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है एक प्रोग्राम बना रखा है जहाँ पे मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो कैलकुलेट करूँगा उसके लिए इनपुट क्या चाहिए उसके लिए इनपुट चाहिए कि हमें लेंथ और ब्रेड तो जो यहाँ पर हमने क्या किया है डेफ Def डिफाइन किया है फंक्शन नेम लिख दिया एरिया अंडर स्कोल्ड रेक्टेंगल ताकि ये रेडेबिलिटी आसानी से बनी रहे फिर यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो इसके पैरामीटर्स दिए गए हैं फिर उसके बाद बंद कर दिया गया है फिर कॉलन लगा दिया है फिर उसके अंदर जो स्टेटमेंट हमने दी है वो दिखी है एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू इंटू ब्रेड और रिटर्न हमने क्या करवा दिया है एरिया ये जो दो स्टेटमेंट है ये फंक्शन के अंदर लिखी हुई है अब इसको प्रोग्राम में कैसे एग्जीक्यूट करना है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एरिया अंडरगल और उसके अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं डाल सकता हूं तो ये क्या करेगा डायरेक्ट मेरे को जो है एरिया वो रिटर्न करके दे देगा तो जैसे ही ये था बेसिक और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है फंक्शन फंक्शन कितने तरह के होते हैं फंक्शन होते हैं दो तरह के कैसे कैसे एक होते हैं बिल्ट इन फंक्शन एक होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन अब तक हमने क्या किया है प्रिंट का यूज़ किया है इनपुट का यूज़ किया है हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट वो यूज़ की थी और जब प्रिंट और इनपुट स्टेटमेंट मैंने आपको बताई थी तब भी भी मैंने बताया था ये एक फंक्शन है और इसको हम लेटर ऑन लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे और वो लेटर ऑन है हमारा आज जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको फंक्शंस की डेफिनेशन जो है वो आपको दे रहा हूँ तो फंक्शन हमारे पास दो तरह के हो गए एक हो गया यू बिल्टिन और एक हो गया यूज़र डिफाइंड बिल्टिन जो प्रोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले ही डिफाइन होकर आते हैं जैसे हमारा प्रिंट हो गया इनपुट हो गया और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जैसे कोई हम खुद के लिए बना लेते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो और याद रखने वाली चीज़ होती है वो होती है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल अभी हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप दो तरह की चीज़ें होती हैं वो फ़िलहाल मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा। फ़िलहाल मैं उसका आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि जब नेक्स्ट ऑन लेक्चर्स में हम डिस्कस करें तो आपको मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए तो सबसे पहले स्कोप स्कोप का मतलब होता है जहां तक वो प्रोग्राम मेरे कंप्यूटर को रिकगनाइज रहेगा इसका मैं बकायदा अभी इसी वीडियो में आपको जो है प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा और ये कैसे बताऊंगा ये किस तरीके का होता है तो जो भी पैरामीटर अभी मैंने आपको बताया था कि फ़ंक्शन अगर मैं डिफ़ाइन करता हूं तो उसके अंदर पैरामीटर डिफाइन होते हैं तो जैसे ही वो पैरामीटर फंक्शन के अंदर डिफाइन है उसको अगर मैं बाद में यूज़ करूंगा तो वो मेरे प्रोग्राम में यूज़ नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे क्योंकि उनकी जो लिमिटेशन थी उनका जो स्कोप था वो उस फंक्शन तक था उसके बाहर नहीं था फिर नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो होती है लाइफ टाइम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल क्या होता है जैसे हमें पता है मेरा कंप्यूटर में अगर कोई भी वैल्यू करता हूं तो उसके लिए वो रैम एक्सेस करता है रैम में वैल्यू होल्ड करके रखेगा वो रैम में वैल्यू कब तक होल्ड करके रखेगा वो रैम में वैल्यू जब तक होल्ड करके रखेगा जब तक उसकी जरूरत होगी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अगर मैंने वैल्यू एक बार दे दी और कंप्यूटर उसको याद रखता रहा तो इस तरीके से हमारी जो रैम हो वो भर जाती है तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं किसी चीज़ को मेमोरी जब तक देते हैं जब तक उसका कोई ज़रूरत होती है उसके बाद उससे हम वो मेमोरी ले लेते हैं तो जिस टाइम तक किसी भी वेरिएबल के पास कंप्यूटर की मेमोरी एक्सेसिबल है वो उसका लाइफ टाइम कहलाता है और उसके बाद क्या हो जाएगा जैसे ही उसका पोर्शन ख़त्म हुआ कंप्यूटर वो मेमोरी उससे नहीं लेता और वो इनएक्सेसिबल नहीं होता और वो क्या होता है डिस्ट्रॉय हो जाता है तो इसका एग्जांपल है जैसे कोई भी अगर मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ और मैंने फंक्शन कॉल के अंदर कोई पैरामीटर दिए हैं तो एक बार अगर मैंने जो वैल्यू दे दी वो जब तक रहेगी जब तक प्रोग्राम उस वाली वैल्यू को एग्जीक्यूट कर रहा है जैसे ही कोई दूसरी फंक्शन कॉल आती है तो उसके बाद क्या करेगा मेरा प्रोग्राम उसको याद नहीं रखेगा और जो पुरानी वैल्यूज हैं वो डिलीट हो जाएंगी तो ये था अभी बेसिक है जो फंक्शंस के बारे में है इसका प्रैक्टिकल मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर हम जो है अलग अलग तरीके के जो है अपने तो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर लेते हैं जैसे मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि हम जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने वाली बात है उसी का मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल करके दिखा देता हूँ कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल कैसे होता है तो सबसे पहले डेफ की तो यहाँ पे जो है फंक्शन नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरिया रेक्टेंगल फिर उसके अंदर जो पैरामीटर आएंगे उसके अंदर उनका नाम जैसे लेंथ आ गया और ब्रेड था गया तो जैसे हमने ये क्या है दो वेरिएबल दे दिया और उसके बाद क्या लगा दिया कॉलन लगा दिया जैसे ही मैं एंटर करूँगा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोटिस करने वाली जैसे अगर मैं कोई पुरानी स्टेटमेंट लिखता था उसको जैसे ही एंटर कर देता था वो एक्सिक्यूट करके ये जो थे इंटरप्रेटर के निशान आ जाते थे बट अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ फंक्शन में ऐसा नहीं होता है जैसे ही डेफ की आ जाता है वो फंक्शन की स्टेटमेंट को लेता है तो जैसे अब मैं यहाँ पर करूँगा एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेड्थ तो यहाँ जो है मैंने एरिया जो है कैलकुलेट कर दिया है फिर रिटर्न में यहाँ से करवा देता हूँ एरिया तो इस तरीके से जो है हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया है इसके अंदर भी मैं क्या करूँगा आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग करके बताऊँगा वो मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे स्कोप क्या होता है उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि दिस इज़ इनसाइड द फंक्शन यहाँ पे क्या है मैं एक आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ कि दिस इज़ इनसाइड द फंक्शन और यहाँ पे जो हमें area एरिया की वैल्यू जो है वो प्रिंट करा देता हूँ तो यहाँ पे हमने क्या है एक स्टेटमेंट लिख दी है इसके अंदर मैंने रिटर्न करा दे है एरिया का ये क्या है जब तक जैसे अभी हमने क्या किया है दो बार एंटर प्रेस किया है जैसे दो बार एंटर प्रेस करूंगा तो वो यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना था पर दूसरे एंटर के बाद वो क्या हो जाएगा इससे बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या है हमारा जो प्रोग्राम है वो बन गया है अब इसके बाद जब मेरे को प्रोग्राम एक्सेस करना है तो उस चीज़ को कैसे एक्सेस करना है उस चीज़ को जैसे मैं एक्सेस कर सकता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिया एरिया अंडर स्कोर फंक्शन का नेम जो है आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए वरना फंक्शन नेम काम नहीं करेगा एरिया रेक्टेंगल और यहाँ पे मैं वैल्यू क्या दे देता हूँ यहाँ पे मैंने दे दिया वैल्यू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फाइव इस चीज़ को अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास हुआ क्या है जैसे ही मैंने यहाँ वैल्यू एंटर की एरिया रेक्टेंगल इसने क्या किया इसने यहाँ ढूँढा एरिया रेक्टेंगल कहाँ डिफ़ाइन है तो ये यहाँ डिफाइन था इसने वैल्यू ट्वेंटी दी जो सबसे पहला था पैरामीटर मेरी उसको दूसरे के लिए यहाँ वैल्यू दी गई और इस चीज़ के ऊपर इसने क्या है एरिया जो है वो कैलकुलेट कर दिया तो यहाँ एरिया कैलकुलेट किया है लेंथ इन टू ब्रेथ और इसके अंदर किया गया है दिस इज़ इनसाइड द फंक्शन और यहाँ पे एरिया की वैल्यू आ रही है तो इस तरीके से ये काम कर लेता है अब जैसे मैंने एरिया वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है इससे पहले हम क्या यूज करते थे जैसे मैं x में कोई भी वैल्यू डिक्लेयर कर देता था अब जैसे मान लो मैं x इज इक्वल टू थ्री कर देता हूँ यहां करता हूं प्रिंट x तो यहां जो है x की वैल्यू जो है वो एक्सेसिबल है जैसे ही मैंने यहां पे एरिया भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है तो क्या यहां पर मैं एरिया को एक्सेस कर सकता हूं जैसे ही मैं एरिया को एक्सेस कर दूंगा यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा और क्या हुआ है द नेम एरिया इज़ not डिफाइंड ये किसकी वजह से हुआ है ये एरर आया है इसके स्कोप की वजह से इसको आप स्कोप भी कहिए आप इसको लाइफ टाइम भी कहिए तो जैसे ही इसका मतलब ये होता है कि जो भी मैं वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइन करता हूँ वो फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल रहेगा जैसे ही ये रिटर्न हो गया तो यहाँ पे उसके बाद इस चीज़ का कोई भी मीनिंग नहीं रह जाएगा इस चीज़ को कहते हैं इसका स्कोप कहिए या इसको हम इसका डेफिनेटली स्कोप कहेंगे और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँगा तो एरिया के पास अभी भी कोई भी मेमोरी नहीं होगी बट अगर मान लो मैं दोबारा इसके अगर पास कॉल करता हूँ जैसे एरिया मैंने किया और इसी का नाम अगर मैंने दे दिया एरिया रेक्टेंगल और यहाँ वैल्यू दे देता हूँ मैं थर्टी और फोर्टी अब इसको करूँगा तो देखिए एरिया की यहाँ पे इसने जो है ये जो स्टेटमेंट थी दिस इज़ इन साइड फंक्शन और यहाँ पे एरिया जो की उसने वो है जो वैल्यू वो है वो यहाँ पे भेज दी और जब इसने लास्ट में जो रिटर्न किया है वो वैल्यू क्या आ गई यहाँ आ गई अब जैसे ही अगर मैं इसको दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ जैसे एक बार और ले लेते हैं इसको यहाँ पे एक बार दोबारा फंक्शन जो है हम डिफाइन कर देते हैं और इसके अंदर अगर ये स्टेटमेंट हटा देता हूँ मैं तो यहां पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या हो गया दोबारा जो है एरिया रेक्टेंगल को रीडिफाइन कर दिया है अब उसके अंदर अगर मैं कॉल करता हूँ और यहाँ पे अगर वैल्यू दे देता हूँ जैसे थर्टी और सिक्सटी अब यहाँ पे अगर वैल्यू देता हूँ तो देखिए डायरेक्ट इसने जो है यहाँ पे रिटर्न कर दिया एरिया को और एरिया की वैल्यू क्या है 1800 इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कोई फंक्शन बना भी सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जैसे किसी भी तरीके से हम जो है एक्सेस कर सकते हैं इसको जैसे अभी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हूँ किसी भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी डायरेक्ट जो है फंक्शन कॉल हो सकती है तो यहाँ पे मैं दे दिखा देता हूँ द दे एरिया ओ, ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 40 एंड ब्रेड 50 इज तो यहाँ हम क्या कर देते हैं यहाँ एक नई चीज डिफाइन कर देते हैं और यहाँ लिखता हूँ मैं एरिया रेक्ट एंगल और उसके अंदर अभी हमने क्या दिया है यहाँ पे फोर्टी और फिफ्टी जो वैल्यू वो है दी है तो इस तरीके से मैंने क्या किया है हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया है हमने यहाँ पे डायरेक्ट जो है प्रिंट स्टेटमेंट दे दी है और इसके अंदर जो हम कॉल करेंगे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी यहाँ कॉम आना था तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ डायरेक्ट कॉल कर सकता हूँ तो जैसे ही यहाँ पे ये यह आएगा ये फंक्शन कॉल होगी ये वाली वैल्यूज़ किसके पास जाएंगी ये वाली वैल्यूज जाएंगी इसके पास लेंथ हो जाएगी 40 और ब्रेथ हो जाएगी 50 और ये जो एरिया जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी और जैसे ही मेरा प्रोग्राम उसको एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पर जो है इस वाली स्टेटमेंट के रिस्पॉन्स में जो मेरा फंक्शन रिटर्न कर रहा था वो वाली वैल्यूज़ आएंगी और उसको डायरेक्ट ऐसे जो है वो प्रिंट किया जा सकता है तो ये था कोई भी फंक्शन मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ किस तरीके से उसको एक्सेस कर सकता हूँ तो ये था डायरेक्ट इंटरप्रेटर के अंदर पर इसको अगर मान लो मैं कोई भी फाइल के अंदर यूज़ करता हूँ जैसे मैं यहाँ से एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और जैसे मैं करता हूँ डेफ ट्राई यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है या आपको एक जैसे दे देता हूँ प्रिंट जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा मेरा कर्सर जो है वो डेफिनेटली चार्स स्पेस आगे आ जाएगा ये जो चार स्पेस यहाँ पे बचते हैं इसको बोला जाता है इंडेंटेशन और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ लेके चला जाऊँगा प्रिंट को यहाँ लेके कर जाऊँगा तो डेफिनेट जो मैं प्रोग्राम यहाँ पे जो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ ये वाली स्टेटमेंट उसके अंडर नहीं आएगी इसके अंडर अगर मेरे को स्टेटमेंट चाहिए तो डायरेक्ट जो है एक टैब का या चार वाइड स्पेस का गैप चाहिए ही चाहिए होगा तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे एक बेसिक चीज़ कर देता हूँ जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसको यूज़ कर देता हूँ तो यहाँ अगर मैं वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ वन यहाँ दे देता हूँ वन टू यहाँ वैल्यू दे देता हूँ वन टू और थ्री और उसके बाद अगर वैल्यू दे देता हूँ वन टू थ्री एंड फोर तो यहाँ पे क्या है मैंने एक जो है फंक्शन बना दिया है सिंपल सा बहुत फंक्शन है ये क्या करेगा वन टू वन टू थ्री एंड वन टू थ्री फोर को प्रिंट करेगा ये फंक्शन अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा आप जैसे मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ जैसे सेव कर लिया तो उसको मैं अगर अपने डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर सेव कर देता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ट्राई इस पाइथन फाइल को मैंने जो है वो सेव कर लिया है यहाँ से अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और डायरेक्ट इस फंक्शन को यहाँ यूज़ करने की कोशिश करता हूँ जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट टी आर आई और यहाँ पे जो है फंक्शन यूज़ कर देता हूँ जैसे ही मैं इंटरप्रेटर के अंदर इसको ऐसे एक्सेस करूंगा ये एरर दे देगा इसका रीज़न ये है क्योंकि जो हमने जो फाइल डिफाइन की है वो अभी इसके बेसिक्स के अंदर नहीं है अगर कोई भी फंक्शन मैंने फाइल के अंदर डिफाइन कर रखा हो और उसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ पर डेस्क के ऊपर सेव की थी उसको हम डायरेक्ट यहाँ से रन करेंगे जैसे ही मैं रन करूँगा वो रन नहीं हुआ है बट री हो गया हमारा प्रोग्राम अब जैसे ही ये जो है प्रोग्राम री हो गया है और हमारा इंटरप्रेटर इसके साथ काम कर रहा है अब यहाँ पे अगर मैं ट्राई को एग्जीक्यूट करूँगा तो वो क्या करेगा ट्राइंगल जो हमें बना के दे देगा तो ये था फंक्शंस के बारे में फंक्शन के साथ कैसे डील कर सकते हैं कैसे उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कैसे उसके साथ काम कर सकते हैं फंक्शन के अंदर जो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ उसका स्कोप क्या होता है उसकी लाइफ टाइम क्या होती है किसी फाइल के अंदर अगर मैंने फंक्शन डिफाइन कर दिया तो उसको यूज़ कैसे करना है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम दो या तीन बार आप जो भी प्रोसेस हमने किया है उसको करें और रिपीट करके देखें और साथ साथ प्रोग्राम बना के देखें क्योंकि यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको ये नहीं आया तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और ये बात पक्का है तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपका डाउट होता है या कोई क्वेरी हो सकती है तो आप उसको डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज ऑलवेज़ जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी, भी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपडेट करूं आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हो जाए और आपको सबसे पहले नॉलेज मिले तो आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू थैंक यू ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग